हाय गाइस, इट्स जिनात एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बिकॉज आपने टाइटल देख ही लिया होगा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे आप ग्लास स्किन अचीव कर सकते हैं एंड कैसे अपने स्किन को फ्लॉलेस बना सकते हैं। बिकॉज गाइस, कुछ दिन पहले मैं अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी। सो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे सिंपल एंड ईजी स्टेप्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप भी अपनी स्किन को ग्लास क्लीन एंड क्लियर बना सकते हो। सो गाइस, ये बहुत ज़्यादा ईजी एंड सिंपल स्टेप्स होने वाले हैं, सो आप इसको ईजिली फॉलो कर सकते हो। सो या विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपने हेयर्स को सिक्योर। सो यहाँ पे मैंने अपने हेयर्स को सिक्योर कर लिया है, एंड मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे अपने ऐसे ऐसे फेसेस क्यों बना रही थी। सो या विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले स्टेप में हम करेंगे क्लींजिंग, एंड क्लींजर को बनाने के लिए मैं लेने वाली हूँ मिल्क। गाइस, मिल्क बहुत अच्छा क्लींजर होता है, एंड इसमें मैं ऐड करूंगी फुलर्स अर्थ मीन्स मुल्तानी मिट्टी। गाइस, मुल्तानी मिट्टी एक बहुत अच्छा क्लींजर होता है, आप चाहें तो बेसन हल्दी आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। बट गाइस, एंशियंट टाइम्स में जो वुमेंस होती थी ना, वो इससे फेस को वॉश कर लेती थी, एंड उनके जो स्किन होती थी वो इतनी फ्लॉलेस क्लीन एंड क्लियर रहती थी। बिकॉज गाइस, पहले जो वुमेंस होती थी ना, वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही अपने फेस पर अप्लाई करती थी, जिससे कि उनकी स्किन हमेशा हेल्दी ग्लोइंग बनी रहती थी। एंड अभी हम क्या कुछ भी अपने फेस पर अप्लाई कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाले प्रोडक्ट अप्लाई कर लेते हैं, जिससे कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करती हूँ, आप DIY ही ट्राई करें, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही ट्राई करें। ऑल्सो गाइस, ये क्लींजर हमारी स्किन को क्लीन तो करता ही है, प्लस हमारी स्किन को ब्राइटन अप लाइटन अप करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बिकॉज जो मुल्तानी मिट्टी होती है ना, वो हमारी स्किन को ब्राइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। प्लस ये समर्स में एक बहुत ही अच्छा क्लींजर है, तो अगर आप क्लींजर ढूंढ रहे हैं समर्स के लिए, वो भी नेचुरल, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्लींजर है, आप इसको अपने डेली स्किन के रूटीन में भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो गाइस, 2 से 3 मिनट्स हमने क्लींजिंग कर लेनी है, देन हम इसको वॉश कर लेंगे विद कोल्ड वाटर। सो गाइज, मैंने फेस को वॉश कर लिया, आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की ओर, जो कि होने वाला है स्क्रब। एंड स्क्रब बनाने के लिए हम फर्स्ट इंग्रेडिएंट लेने वाले हैं ओट्स। गाइज, ओट्स एक बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर होता है, एंड सेकंड में इसमें ऐड करूंगी कॉफ़ी पाउडर। गाइज, अगेन कॉफ़ी पाउडर एक बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर है, प्लस ही हमारी स्किन को ब्राइट बनाने में बहुत हेल्प करता है। सो थर्ड इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करूंगी हनी, जो कि हमें एक मॉइस्चर नरिशमेंट देता है हमारी स्किन में, प्लस हमारी स्किन से पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, ब्लेमिश जैसी प्रॉब्लम को दूर करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो लास्ट हम इसमें ऐड कर लेंगे मिल्क, एंड मिल्क ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो देखिए, अभी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, एंड हमारा एक बहुत ही अच्छा स्क्रब हो जाएगा। गाइज, ये रेडी। गाइज, एक बहुत ही अच्छा स्क्रब है हमारी स्किन के लिए, बिकॉज ये हमारी स्किन से डार्कनेस को रिमूव करने में हेल्प करता है, हमारी स्किन से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, प्लस हमारी स्किन को स्मूथ बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो चलिए, अब इसको अप्लाई कर लेते हैं। एंड गाइज, इस स्क्रब को आप वीक में 2 टाइम्स इजीली कर सकते हैं। ये स्क्रब एकदम नेचुरल है, तो इससे आपको कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं मिलेगा, प्लस ये आपकी स्किन को स्मूथ बनाने में हेल्प करेगा। एंड गाइज, स्क्रब करना हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज ये हमारी डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, प्लस हमारे ओपन पोर्स को कम कर देता है, जिससे कि हमारी स्किन में इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सो गाइज, 4 to 5 मिनट्स हमने अपने फेस पर स्क्रब कर लेना है, एंड मेक श्योर गाइज, हमेशा हमें जेंटली ही स्क्रब करना चाहिए, कभी भी हमें हार्शली स्क्रब नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे हमारी स्किन पर रिंकल्स होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो ऑलवेज मेक श्योर आप जेंटली अपने फेस पर स्क्रब करें। एंड गाइज, इस स्क्रब में मैंने ऐड किया है ओट्स, अगर आपके पास ओट्स नहीं है तो आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज गाइज शुगर भी एक बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर होता है। एंड गाइज, जब भी हमारा थोड़ा सा स्क्रब बच जाता है ना, तो आपने इसको थ्रो नहीं करना है, हमने इसको अपने हैंड्स पे अप्लाई कर लेना है, बिकॉज गाइज हमारे हैंड्स पे भी टैनिंग हो जाती है, तो अगर आप अपने हैंड्स पे भी इस स्क्रब को अप्लाई कर लेंगे तो आपके हैंड से भी टैनिंग रिमूव कर देगा। सो गाइज, मेरा स्क्रब हो गया है डन, चलिए अब इसको वॉश कर लेते हैं। सो गाइज, मैंने फेस को वॉश कर लिया, आप देख सकते हैं मेरी स्किन एकदम ग्लोइंग हो गई है। सो गाइज, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे फेस मसाज, जिसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ पैराशूट कोकोनट ऑयल, और आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप आमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं फेस मसाज के लिए। एंड गाइज, फेस मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी स्किन के लिए, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, एंड अगर आपको एक्ने एंड पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम है तो ये उसको भी दूर करने में हेल्प करता है, बिकॉज इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, तो एक्ने पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम भी नहीं होती। एंड
अपनी नेक पे भी मसाज करना बिल्कुल भी मत भूलें। सो 5 to 6 मिनट्स हमने मसाज कर लेनी है। उसके बाद मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ स्टीमिंग, जिसके लिए मैंने एक बॉल में हॉट वाटर ले लिया है एंड मैं इसमें एक टॉवल को डिप करके अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी एंड 2 to 3 मिनट्स हम इसको अप्लाई कर लेंगे। एंड गाइज, स्टीमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत बेनिफिट्स होते हैं इसके। ये हमारे ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करता है। सो आफ्टर स्टीमिंग कमिंग टू द 5th स्टेप विच इज़ फेस पैक। एंड फेस पैक बनाने के लिए मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ बेसन एंड चंदन पाउडर। एंड 3rd इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। एंड लास्टली हम इसमें ऐड कर लेंगे मिल्क और अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेंगे। हमने इसका थिक सा पेस्ट बना लेना है। सो गाइज, हमारा फेस पैक हो गया है रेडी। चलिए अब इसको अप्लाई कर लेते हैं। एंड गाइज, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, मैंने थोड़ी इसको थिक ही रखा हुआ है। सो इसको हम अप्लाई कर लेंगे पूरे फेस पर। एंड गाइज, ये फेस पैक बहुत अच्छा है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है ना तो उसको रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बिकॉज इसमें मैंने ऐड किया चंदन पाउडर, जो कि हमारी स्किन को फेयर बनाता है, ग्लोइंग बनाता है एंड क्लीन एंड क्लियर कर देता है हमारी स्किन को। एंड गाइज, अगर आपकी स्किन पे पिंपल मार्क्स रह गए हैं ना तो उसको भी फेड करने में हेल्प करता है। सो अगर हम बात करें हल्दी एंड बेसन की, तो गाइज ये हमारी स्किन को ब्राइटन अप एंड लाइटन अप करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो ओवरऑल दिस पैक इज़ अमेजिंग गाइज। सो इसको आपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है एंड आपने अपनी नेक पर अप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपने अपनी नेक पर भी इसको अप्लाई कर लेना है। सो गाइज, अभी मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। सो अप्लाई करने के 15 मिनट्स बाद हम इसको वॉश कर लेंगे। एंड गाइज, मैंने इसको वॉश कर लिया, आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट। गाइज, ये एकदम हमारी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है, जो कि आप देख ही सकते हैं। सो इसके बाद हम अप्लाई करेंगे टोनर, जिसके लिए आप कोई सा भी टोनर अप्लाई कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ पर गुड वाइब्स लैवेंडर टोनर अप्लाई कर रही हूँ। एंड गाइज, टोनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, हमारे पीएच लेवल को बैलेंस कर देता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है एंड हमारे ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो टोनर को अप्लाई करने के बाद हमने इसको एब्जॉर्ब होने देना है 2 से 3 मिनट्स तक। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे एलोवेरा जेल, जिसके लिए मैं यहाँ पर पतंजलि का एलोवेरा जेल ले रही हूँ। गाइज, आप कोई सा भी ब्रांड का एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर जो भी आप अपनी स्किन पे अप्लाई कर रहे हो उसको आप अपने हैंड्स पे एंड नेक पे अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलें। सो नेक्स्ट मैं अप्लाई करने वाली हूँ सीरम, विच इज़ अगेन फ्रॉम गुड वाइब्स एंड दिस इज़ रोजहिप सीरम। बहुत अच्छा सीरम है गाइज, मैंने पर्सनली इसको यूज़ किया है, इसीलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। गाइज, सीरम को अप्लाई करने के बाद इसको हम जेंटली पूरे फेस पर स्प्रेड कर लेंगे। गाइज, हमने इसको बहुत ज़्यादा जेंटली अप्लाई करना होता है अपने पूरे फेस पर। एंड गाइज, सीरम अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ग्लास स्किन अचीव करने के लिए। बिकॉज अगर आपके स्किन पे पिगमेंटेशन, रिंकल्स एंड ओपन पोर्स जैसी प्रॉब्लम हो रही है, तो सीरम उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प करता है। सो गाइज, नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टेप विच इज़ मॉइस्चराइजर। एंड मॉइस्चराइजर के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ बायोटिक नेक्टर मॉइस्चराइजर। बिकॉज मेरी स्किन ऑयली है तो मेरी स्किन को बहुत अच्छे से सूट करता है। सो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, दीज आर द सिंपल एंड ईजी स्टेप्स विच यू मस्ट फॉलो टू अचीव ग्लास स्किन एंड यू गाइज कैन सी माई स्किन नाउ। सो गाइज, आपकी स्किन कितनी भी डैमेज हो रही होगी ना, बस इन स्टेप्स को फॉलो कर लो, आपकी स्किन एकदम ग्लास स्किन बन जाएगी। सो या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड गाइज, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज।